लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राजा, यही है वो लोग जो इन सब हरामजादों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, अनगिनत काबिल नौजवानों के हाथों से मौका छीन कर उस मौके को अपने रिश्तेदारों में बांटने वाले हरामखोर हो तुम। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिसर, बरसों से आस लगाए हुए बेरोजगार नौजवानों की फिक्र किए बिना कल परसों रजिस्टर किए गए लड़कों से रिश्वत खाकर उन्हें नौकरी दी है तुमने। होनहार नौजवानों की भविष्य और जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले कमीने हो तुम। ओ, जिला परिषद प्रेसिडेंट, इतने सारे टीचर्स की पोस्ट खाली है मगर फिर भी किसी को भर्ती नहीं कर रहे हो तुम, ताकि गवर्नमेंट से जो पैसा गरीब टीचर्स के लिए मिलता है वो उनकी बजाय तुम्हारी जेब में चला जाए, है ना? बेरोजगारी और भूखमरी को बढ़ाने वाले गंदी नाली के कीड़े हो तुम। पुलिस रिक्रूटिंग ऑफिसर, रिश्वत के लालच में अंधे होकर तंदुरुस्त और सेहतमंद नौजवानों की बजाय कमजोर और मरियल लड़कों को सिलेक्ट करके सारे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहे हो। ईमानदार और मजबूत लड़कों के सपने तोड़ने वाले गद्दार हो तुम। हम जैसे लाखों नौजवानों के भविष्य के लिए, इस समाज की भलाई के लिए, सारे देश की एकता के लिए तुम जैसे लोग कैंसर हो। शराफत के लिबास में छुपे हुए गुंडे हो, जिन्होंने आज के इस राज को बना दिया है गुंडा राज। और ये गुंडा राज उस दिन तक खत्म नहीं होगा जिस दिन तक तुम जैसे गुंडे जिंदा रहेंगे। इसलिए मैंने सोच लिया है कि तुम लोगों को तुम जैसे लोगों को एक बार माफ करना दूसरी बार गलती करने का मौका देना है। आ! 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 आ!
हरामजादे। आग लगी इसकी नींद में। मेरी लकड़ी कहाँ है? मेरी लकड़ी कहाँ है? मैं आज इसे ठीक करके ही। अरे ये क्या कर रही हो दादी, जाने भी दो ना, रात को देर से आया होगा। रात को देर से आने की जरूरत ही क्या है जो दोपहर तक आंख न खोले। मैंने इस लुच्चे को ठीक करना ही है, तुम हटो बहू यहाँ से। मैंने दादी को मैंने किसको मारा? मैंने किसको? अरे अरे दादी दादी आखिर बात क्या? आखिर बात क्या? अरे क्यों मारती हो? अरे अरे क्यों सवेरे सवेरे डंडा लेकर पड़ी है मेरे पीछे? अरे अरे मत मारो, मत मारो दादी। अरे रुको रुको, ठहरो ठहरो, मुझे मारती है, मुझे मारती है। अब कहाँ बच के जाएगी दादी? अरे भागो भागो, मुझे मार लेगा, मेरी जान ले लेगा क्या? बड़े भैया देखो ना, दादी आज फिर राशन पानी मेरे पीछे पड़ी है। अरे रुको दादी, रुको रुको, क्यों मार रही हो राजा को? जब देखो इसके पीछे पड़ी रहती हो। नहीं सुधरता ये, जिंदगी भर नहीं सुधरता। तुम और तुम्हारी बीवी के लाड़ प्यार ने इस उल्लू को इतना बिगाड़ रखा है। अरे सूरज सर पर चढ़ाया, लेकिन इस गधे की आँख। ए, गधौदा किसको बोलती है? बुड्ढी। बुड्ढी हाँ, नहीं तो क्या बच्ची? बच्ची हाँ जवान। मुंह बंद कर कान खोल कर सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ पता भी है दोपहर तक सोने से घर और देश का कितना फायदा होता है? देश का फायदा? हाँ देश का फायदा। मुझ जैसे पढ़े लिखे नौजवान जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, वो सुबह सुबह घर से निकलते ही हड़ताल कर देते हैं, बसों में आग लगाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। उन सब की बजाय मैं दोपहर तक सोता हूँ। बोल देश का फायदा होता है कि नहीं? और घर का क्या फायदा होता है? घर का हाँ। वो भी बोलूंगा। मैं देर से घर आकर दोपहर तक सोता हूँ, जिसकी वजह से रात का खाना और नाश्ता नहीं करता, दो वक्त के खाने की बचत करता हूँ। करता हूँ कि नहीं? आप ही बोलो बड़े भैया। बचत तो करता है भाई। अगर इतनी बचत होती है तो कल से हम सारे घर वाले दोपहर तक सोया करेंगे। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों? बड़े भैया को इसलिए उठना पड़ता है कि इन्हें नौकरी पर जाना होता है। हाँ। आरती भाभी को इसलिए उठना पड़ता है कि इन्हें सारे घर का काम खत्म करना होता है। रवि भैया को इसलिए उठना पड़ता है कि यह है किताबी कीड़े, जल्द से जल्द आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हर वक्त ये किताबों में खोए रहते हैं। पप्पू मुन्नी को इसलिए उठना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने स्कूल ही सुबह का रखा हुआ है, और बचे हम दोनों, हमें सुबह उठने की क्या जरूरत है? क्या? डांस करने के लिए। देखो दादी, आज से तू भी मेरे साथ रात देर तक घूमने फिरने चला कर, और दोपहर में आराम से उठा कर, देश और घर के फायदे के साथ साथ मुझे भी थोड़ी शांति मिलेगी, समझी? समझ गई। That's right. डर जा, डर जा, डर जा। हाँ निकले आवारा गर्दी करने, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। दादी रात को मछली और काजू का पुलाव जरूर बनाना। मछली और काजू का पुलाव बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी मेरी अच्छी दादी। अरे बेशरम, देख रहे हो, देख रहे हो इसके चोंचले, बिल्कुल आप पर गया है। सिर्फ शक्ल ही नहीं, सारी खूबियां भी आप ही की ली है इसने। बस कर यार, अब और चला नहीं जा रहा, बहुत हो गया दफ्तरों के चक्कर लगाना, नौकरी तो कोई देता नहीं है। यार राजा क्यों ना हम लोग सब मिलके एक छोटा मोटा धंधा शुरू कर दें यार। हाँ राजा ये ठीक कह रहा है। अरे राजा वो दीपक है ना, दीपक अरे वो कॉलेज अपने साथ पढ़ता था, वो लंबू मोटरसाइकिल वाला। हाँ, हाँ। अगर हम उसे 20-25 हजार रुपए मांगेंगे मना नहीं करेगा। अरे लाखों रुपए कमाता है। लाखों रुपए वो स्मगलिंग करके कमाता है, ऐसे आदमी से मदद नहीं, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। मर गया साला। मुन्ना तेरा बचपना नहीं गया अभी तक, तू स्कूल से थोड़ा ज्यादा है, कॉलेज से थोड़ा कम। जिस तरह बच्चे अपने कपड़ों पर स्याही गिरा लेते हैं ना, ठीक उसी तरह तूने अपने चेहरे पर खून गिरा लिया है। आइए एसपी साहब आइए। गुड़ के बारे में मक्खी, फूल के बारे में भवरा, और जुर्म के बारे में आपके डिपार्टमेंट को पता नहीं कैसे पता चल जाता है। हमारी नाक बड़ी तेज होती है तेजपाल साहब, हम दूर से जुर्म की खुशबू सूंघ लेते हैं। शत प्रतिशत सत्य वचन। हमारे देश की पुलिस दुनिया के सभी देशों से अति उत्तम और गुणी मानी जाती है। अजी आपको पता है अमेरिका की पुलिस को खून होने के 2 घंटे के पश्चात पता चलता है,
और रूस की पुलिस को 3.5 घंटे के पश्चात और चीन की पुलिस को 6 घंटे के पश्चात, मगर हमारी पुलिस को खून होने के 24 घंटे पहले पता होता है कि कब कहां किस व्यक्ति का खून होने वाला है और कौन सा मनुष्य इस शुभ कार्य को संपन्न करने वाला है। ये चंदा है, मंदाकिनी से थोड़ी ज्यादा, माधुरी से थोड़ी कम। तेजपाल साहब, ये रुपए मर्डर के लिए कुछ कम लगते हैं। क्या कम लगता है? 1.5 लाख रुपया है, ईमानदारी से कमाने जाओगे तो पूरा एक जन्म लग जाएगा। रख लो, यू आर वेरी लकी। आप लोगों से ज्यादा लकी तो नहीं हूं। उस यूनियन लीडर के खून के लिए जो आपको रकम मिली होगी, ये तो उसका 10% भी नहीं है। मिस्टर सक्सेना, किससे हमें कितना मिलता है ये देखना आपका काम नहीं है। जो कत्ल हमने करना था वो कर दिया है, अब आप जाकर कातिलों को ढूंढने का काम कीजिए। फिल्म में तो मजा आ गया। लेट्स गो टू डिस्को। इधर आ। ए चश्मेश। मैं? हाँ हाँ, तू इधर आ। इतनी रात को कहां से आ रहे हो? सर पिक्चर से। पिक्चर से? जी। टिकट कहां है? टिकट लेने के बाद ही तो वो लोग अंदर छोड़ते हैं सर। अच्छा, साले मुझे शनपटी सिखा रहा है। नहीं राजा, क्यों सर, क्यों मारा इसे? बगल वाली गली में एक यूनियन लीडर का खून हो गया है, मुझे शक है कि वो खून तुम ही लोगों ने किया है। ये क्या है? ड्यूटी के वक्त दारू तो नहीं पियो? हाँ, ऐसा शक हुआ। साले पुलिस ऑफिसर के सामने अगर असली मुजरिम को नहीं पकड़ सकता ना, तो इस वर्दी को उतार कर घर जाकर बैठ। सारे राजा। अरे कहां भाग रहा है तू? सॉरी बोल मेरे दोस्तों को, सॉरी बोल बोल। अरे क्या समझता है तू हम लोगों को? छोड़ दो यार, क्लब चलना है कि नहीं चलना है? Is there anyone who can dance with me?
with me. No one dare take a chance with me. जरूरत से ज्यादा ही लाड़ प्यार दे दिया है मैंने उसे। सर पर चढ़ गया है मेरे, नालायक। आने दो आज उसे, आज या तो मैं नहीं या वो नहीं।
क्या देख रही हो जानकी? मैं हूँ, नहीं पहचाना? स्वामी आप? आ ना, मुझे छूना मत, मैं आत्मा का रूप हूँ, गायब हो जाऊंगा। भूल हो गई स्वामी, भूल हो गई। कोई बात नहीं जानकी। लेकिन ये क्या, जीते जी तो आपने कभी दाढ़ी नहीं बढ़ाई, हर रोज दाढ़ी बना के एक राजकुमार की तरह साफ सुथरे रहते थे, अब ये आपको क्या हो गया है? क्या करूं जानकी, वहाँ का यही रिवाज है। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम हमेशा राजा की जान के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? वो एक नंबर का लुच्चा हो गया है, आने दो आज उसको यहाँ, मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ के रख दूंगी। तुम एकदम मूर्ख हो जानकी, राजा की टांगे तोड़ोगी? अरे उसे समझती क्या हो तुम, जानती हो वो कौन है? कौन है? मैं हूँ। हाँ जानकी, मैं तुमसे दूर तो चला गया, लेकिन तुम्हारे प्यार और अपनापन से दूर नहीं रह सका, इसीलिए तो मैंने राजा के रूप में दोबारा जन्म लिया है। राजा ही मैं हूँ और मैं ही राजा। सच? हाँ। मगर स्वामी, अगर राजा में आप है तो अब तक ये राज मुझसे क्यों छुपा के रखा? ये आइडिया मेरे दिमाग में अभी अभी आया है। देखो जानकी, राजा कुछ भी करे तुम उसे कुछ मत कहना, कभी भी उसके पीछे डंडा लेकर मत भागना, वरना ऊपर स्वर्ग में मुझे बहुत तकलीफ होती है, दुख पहुंचता है। ये रहा स्वामी, आज के बाद आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। वेरी गुड। लेकिन स्वामी, इतने दिनों बाद दर्शन दिए हो तो कुछ खाना वाना तो खा के जाओ। नहीं जानकी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, ऊपर स्वर्ग में रंभा, उर्वशी और मेनका ने मेरे इंतजार में डांस रोक रखा होगा। ए जानकी, ये क्या, रूठ गई? वाजिब है तुम्हारा रूठना, मगर सुनो, मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लेने से तुम्हें भी स्वर्ग में जगह मिलेगी। फिर हम दोनों मिलकर वहाँ डांस करेंगे। सच? सच स्वामी। स्वामी आप चले गए? अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। एक घंटे से दरवाजा ठोक रहा हूँ, सुना नहीं? दरवाजा तो खुला है। अरे खुला है, मुझे कैसे पता, आकर खोल नहीं सकती थी क्या? क्या कर रही थी अंदर? पिछली जिंदगी में खो गई थी। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ ठीक है, खाना खाया तूने? हाँ। तो फिर अभी तक तू सोई क्यों नहीं? तेरे आने से पहले कैसे सो सकती हूँ? दादी माँ, मैं कितनी बार कह चुका हूँ मेरा इंतजार मत किया कर, आधी आधी रात तक जागेगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। चल सो जा, सो जा। बाय दादी। बाय बेटा। सुनिए, रवि के लिए जो 25,000 का बंदोबस्त करना था उसका कुछ बना? उसी की कोशिश में लगा हूँ आरती, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। 25,000 तो फिर भी 2-3 हफ्ते के बाद चाहिए, उसे दिल्ली भेजने के लिए 5,000 रुपए की जरूरत है, उसका बंदोबस्त भी नहीं कर पा रहा मैं। एक काम कीजिए, मेरी ये बालियां और चूड़ियां कहीं गिरवी रख दीजिए। नहीं आरती, पिछले 2 सालों से एक ही ख्वाहिश रही है मेरी कि अपने जन्मदिन पर तुम्हारे लिए एक जरी की साड़ी और सोने का हार लेकर आऊं, ताकि तुम उन्हें पहनकर मेरे सामने एक नई नवेली दुल्हन की तरह आओ, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं कर सका, और अब तुम अपने बचे खुचे जेवर भी। तो क्या हो गया अगर? नहीं नहीं आरती, रवि के पैसों के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अगर भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। राजा एक आइडिया है यार, मैं अपना ये कैमरा बेच देता हूँ, कम से कम 500 रुपए तो मिल जाएंगे, और मेरी ये घड़ी, इसके 250 तो आई जाएंगे, और मेरा चश्मा, नहीं नहीं इससे कुछ नहीं मिलेगा। राजा मेरे घर में एक इम्पोर्टेड जीन पड़ी है, बाय गॉड मैं तो उसे बेच देता हूँ, 100-125 तो हाथ आएंगे। अरे चुप रहो यार,
ये सब कुछ बेचकर जो पैसा जमा होगा ना, इससे मेरा भाई दिल्ली तो क्या आगरा तक भी नहीं पहुंच सकेगा। ज्यादा से ज्यादा मैं 6,000 दे सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, 15,000 से एक पैसा कम नहीं, समझे? मैं हाथ जोड़ता हूँ। कहा ना नहीं, मैं पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। 15,000 से एक पैसा कम नहीं बुड्ढे, चल। ए, जाके देखो क्या हो रहा है। अरे अरे उठिए अंकल। अंकल, ये कौन था जो आपको धक्का देके गया? कुछ नहीं बेटा, एक दादा है, मेरे घर से किराएदार को निकलवाने के लिए 15,000 रुपए मांग रहा था। मेरे पास 6,000 है। आप 6,000 दे सकते हैं? हाँ, अंकल जी, भाई गॉड, आपका काम हो गया, आप बस रुपए ढीले दो। तुम मेरे घर से किराएदार को निकाल सकते हो? हम नहीं, हमारा दोस्त वो सामने खड़ा है। उससे मकान खाली कराना आसान काम नहीं है, ऐसी वैसी नहीं है वो। ऐसी वैसी कोई औरत है क्या? औरत पर हम दादागिरी नहीं करते। तुम अपना रास्ता ना पो। अरे सुनिए, देखिए एक बार आइए और देखिए, अगर उसमें कोई औरत दिखाई दे तो आप जूते से मारना मुझे। नहीं, नहीं। राजा, एक बार चल के देखने में हर्जी क्या है? हाँ, इसमें हर्जी क्या राजा? ठीक है, ठीक है, ऐसा क्या? तो चलो, यही घर है। शालू शर्मा, ओ एक काम करो, तुम अंदर जाओ। मैं जाऊं? अरे डरते क्यों हो, हम है ना, जाओ जाओ। अरे जाओ ना। जा बाबा, चल रहे बैठते हैं। अंकल, 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 क्या हुआ? नहीं, अंदर नहीं जाऊंगा, मेरे को आपने जबरदस्ती अंदर भेजा, देखो। राजा, अब क्या होगा? इस दान को मैं ठीक करूंगा। साली, तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरा हाथ पकड़ा, तेरी तो देखा ये हाथ कितना रफ है, एक रफड़ा मारूंगा तो पूरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी, समझी? अबे जा जा, ये हूल वूल किसी और को जाके देना, तू मुझे अच्छी तरह जानता नहीं है। तू भी मुझे अच्छी तरह जानती नहीं, तेरी तो चुपचाप शराफत से घर खाली कर, नहीं तो रामपुरी निकालूंगा। ये रामपुरी, कोलापुरी, अमरीशपुरी, ओमपुरी, बटाटापुरी, सेवपुरी, सब इसकी क्या जरूरत है? निकालो, निकालो ना। पहले ये चालू शर्मा का बोर्ड उखाड़। चालू नहीं, शालू, बोलो शालू शर्मा। मुझे सिखा रही है, उखाड़। निकाल, उखाड़, निकाल, उखाड़, निकालो ना। उखाड़ती है या अंदर डालू? उखाड़, उखाड़ती हूँ। अरे तुम लोग उधर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अंदर जाकर इसका पोरिया बिस्तर बाहर फेंको, चलो उखाड़। अब मैडम, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, तू अपना काम कर। ए, चल बे। मैं तो वो चल। ये लो भैया, तुम्हारे दिल्ली जाने और रहने का खर्च, तुम फटाफट जाने की तैयारी करो। भाई भैया ने दिए क्या? बड़े भैया और मुझ में कोई फर्क है क्या? इंतजाम हो गया इसलिए दे रहा हूँ, तुम चुपचाप रख लो। मगर ये इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से हुआ? इंक्वायरी मत करो, बाद में बता दूंगा। इतने पैसे आए कहाँ से? कहा ना, इंक्वायरी मत करो, बाद में बता दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछता हूँ इतने पैसे आए कहाँ से? छोटे भैया के नई दिल्ली जाने के लिए उधार लिया कहीं से? तो फिर दादागिरी की होगी। मैं दादागिरी वादागिरी नहीं करता। तो फिर तू बोलता क्यों नहीं, कहां से आए इतने पैसे? क्या भैया, आप तो ऐसे डांट रहे हैं जैसे कि मैं जेब काट कर या चोरी करके लाया हूं। अरे चोरी नहीं की, जेब नहीं काटी, दादागिरी नहीं की, उधार नहीं लिया, तो फिर क्या पैसा? ऊपर से दबक पड़ा क्यों रे? क्यों खामखा डांट रहा है इस बेचारे को? अरे तू क्या समझता है कि ये किसी उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमा के लाएगा? अरे तुम लोग इसे समझते क्या हो? तुम जानते हो ये कौन है? ये तो तुम लोगों के मेरा यकीन कीजिए भैया, मैं बाद में बता दूंगा। बाद में बता देगा, इंक्वायरी मत करो, चल राजू। भाभी, 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 ये लो जरी की साड़ी और सोने का हार। सोने का हार? अब सोने का मतलब सोने का पानी चढ़ा हुआ हार। इसका मतलब है सुबह तुमने हमारी बातें सुन ली। देख राजा,
मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन अब तो बता तू इतने पैसे लाया कहां से? मैं बताती हूं। मर गया। अगर मालूम होता कि ये यहां तक पहुंच जाएगी तो वहीं साली का काम तमाम कर देता। कौन हो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए और ये सारा घर साथ लेकर क्यों घूम रही हो? आप इंक्वायरी मत कीजिए दादी जी, मैं आपको बाद में सब बता दूंगी। ए, रुक रुक, अरे अरे ये क्या कर रही है? हाँ ये क्या कर रही है तू? जबरदस्ती है और मैं कुछ कर सारे कमरों में छाक रही है। हाँ मैं देख रही हूँ कि सबसे अच्छा बेडरूम कौन सा है। ए, बेडरूम की बच्ची, यहाँ से फटाफट चलती बन। ए, देखा ये हाथ कितना रफ है, एक रफाड़ा मारूंगा तो पूरी 32 से 12 आ जाएगी। हाँ मारो मारो, मैं यहाँ तुमसे मार खाने के लिए ही आई हूँ, देखती हूँ कितना मार सकती हूँ मुझे। अच्छा हट, क्या हो रहा है ये सब, कौन है लड़की? मैं बताती हूँ जेठ जी। जेठ जी, मैं एक सीधी सादी गरीब लड़की हूँ। गरीब नहीं बड़े भैया, ये तो चालू लड़की है। चालू नहीं, शालू नाम है मेरा, शालू शर्मा, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। और इसने इसने मेरे साथ जो हरकत की है उसके बाद मैं कहीं भी जाने के लायक नहीं रही। इसने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी। राजा, अरे अरे दादी 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 दादी, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। अब बता ये सब क्या है, ये लड़की कौन है और इसके साथ तेरा रिश्ता क्या है? तूने क्या किया है इसके साथ? दादी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा और इसका कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो जानता तक नहीं इस चालू को। जानता तक नहीं, झूठा कहीं का। उसने उसने ना सिर्फ मुझसे मेरी छत छीनी है बल्कि इज्जत से जीने का हक भी छीना है। ऐसी जगह जहाँ इज्जत की हिफाजत हो सके कम से कम 20-30 हजार रुपए डिपॉजिट चाहिए, और मैं हूँ एक गरीब और शरीफ लड़की, इतनी बड़ी रकम का मैं कहाँ से इंतजाम कर सकती हूँ? मैंने फैसला कर लिया है कि इस लड़की का क्या करना है, तू बीच में मत बोलना बस। जब तक तुम्हें रहने के लिए अपनी पसंद की कोई जगह नहीं मिलती तुम यहीं रह सकती हो। सच? हाँ 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 बेटी, तुम हमारे घर में रह सकती हो जब तक चाहो। दादी जी, आज आपका ये प्यार देखकर अचानक मुझे मेरी दादी और नानी दोनों बहुत याद आ गई। जीती रहो बेटी। मेरा कमरा किधर है, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में, बाथरूम है, जा वही तेरा कमरा है। जा बेटी, वो तेरा कमरा है, जा। प्लीज अब जरा हटिए। आप बोलो, उस यूनियन लीडर का तुम लोगों ने खून किया या नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं क्या? नहीं। खून तुम लोगों ने ही किया है और तुम लोगों को कबूल करना पड़ेगा। नहीं इंस्पेक्टर, अब इनका पांचवां साथी आया है। तुम हो इस खतरनाक गैंग के लीडर। अगर आपकी नजर में यह गैंग है तो इसका लीडर मैं ही हूं, मगर यह खतरनाक नहीं है एसपी साहब, मजबूर और बेसहारा गैंग है। अच्छा, तो मजबूरी और लाचारी इस हद तक बढ़ गई थी कि तुम लोगों को इस यूनियन लीडर का खून करना पड़ा? खून? आपका कसूर नहीं है, पुलिस वाले हो ना, ऐसे ही बात करोगे? अभी तक तुमने सिर्फ पुलिस वालों की बातें सुनी है, लगता है कभी मार नहीं खाई। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप शराफत से अपना जुर्म कबूल कर लो। जिद जबरदस्ती करोगे तो मैं कबूल कर लूंगा, मगर अदालत में यह साबित कर दूंगा कि हम 5 नहीं 6 आदमी थे और 6 नंबर के तुम हो। एसपी सक्सेना, बोलो। हाय हाय एसपी सक्सेना, बोलो।
हो जाए। आखिर कब तक आप हमारी आवाज को यूं ही दबाते रहेंगे? यूनियन लीडर दिलीप सावंत के कातिलों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने? एक मिनट, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। कातिल पकड़े जा चुके और अंदर कार्रवाई जारी है। इन कातिलों को पकड़ा है आपने? उन चार बेरोजगार गरीब नौजवानों को जिनका जुर्म सिर्फ यही है कि वो बेरोजगार है? क्या पकते हो? पक नहीं रहा हूँ एसपी साहब, बल्कि वो सच्चाई बता रहा हूँ जिसपे आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सारा शहर जानता है कि ये वहशियाना कत्ल तेजपाल और उसके भाई नागपाल ने किया है। मेरे पास सबूत भी मौजूद है। अगर आपने उन कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया तो कल वो सारे सबूत मैं अखबार में छाप दूंगा, समझे आप? शाबाश मिस्टर अनीस, आप जैसे सच्चे और ईमानदार जर्नलिस्टों की इस देश को सख्त जरूरत है, जो दरिंदों के चेहरों से नकाब उठाकर उनके असली रूप जनता को दिखा सके। मिस्टर सक्सेना, एक बात याद रखना, ये वर्दी तुम लोगों को जनता की हिफाजत के लिए दी जाती है, उनकी टांगें तोड़ने के लिए नहीं। चलो रे। कलम का बहुत बड़ा सिपाही है तू, बता वो सबूत कहाँ है? ओहो, मुन्ना क्यों मारता है इस बेचारे को? अरे सबूत तब तक जरूरी है जब तक ये जिंदा है, जब यही नहीं रहेगा तो सबूत अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। जिंदगी और मौत इंसान के नहीं खुदा के हाथों में है। हाँ हाँ, जिंदगी ऊपर वाले के हाथों में होगी, मगर मौत का डिपार्टमेंट हम लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है। मुन्ना, अब तक तो तुम समझ गए होंगे कि हम लोग यमदूत से थोड़े ज्यादा हैं, भगवान से थोड़े कम। नहीं तेजपाल, तुम लोग कुत्तों से थोड़े ज्यादा हो, सुअर से थोड़े और ज्यादा। का हिस्सा दिन ब दिन तरक्की कर रहे हो हुजूर। पहले स्टील की थाली मिलती थी और अब चांदी की मिलने लगी है। आगे आगे देखती जाओ चंदा, मैं कितनी तरक्की करता हूं। एक दिन मैं तुम लोगों से सोने की थाली भी लूंगा। इधर इधर, सीटी मैंने ही बजाई है। आपने? ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं है बालके, मैं और मेरा पोता बिल्कुल एक जैसे हैं ना? जी बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा ये बता, मेरा पोता लगता कैसा है तुझे? इसमें शर्माने की बात क्या है, वो तुझे पसंद है? पसंद है? अरे जब वो हाथ दिखा के कहता है ना, ये हाथ देखा है कितना रफ है, एक रफाड़ा मारूंगा तो न जाने मुझे क्या हो जाता है। फिर देर क्यों करती है, पटाओ उसे। पटाओ? अरे दादाजी, आपका आशीर्वाद साथ है तो वो तोता, मेरा मतलब है पोता, बच के जाएगा कहाँ, पटा के ही रहूंगी उस मियां मिट्ठू को। तोता मेरे तोता, मैं तो तेरी हो गई, मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गई। तोता मेरे तोता, मैं तो तेरी हो गई, मीठे मीठे तेरे सपनों में।
ना मेरी मैं ना मैं तो तेरा हो गया। मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गया। पर मैं ना मैं तो तेरा हो गया। मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गया। मैं तुझ पे मरने लगा, प्यार तुझे करने लगा। पिंजरे में दिल के तू आजा मैं तुझको बिठा। तोता मेरे तोता मैं तो तेरी हो गई। पर मैं ना मैं तो तेरा हो गया। मैं तो तेरा हो गया। और मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गया। मैं तुझ पे मरने लगा, प्यार तुझे करने लगा। पिंजरे में दिल के तू आजा मैं तुझको बिठा लूं। तोता मेरे तोता मैं तो तेरी हो गई। मैं ना मैं तो तेरा हो गया। I'm gonna make it.
पिंजरे में दिल के तू आज मैं तुझको बिठा दूं। तोता मेरे तोता मैं तो तेरी हो गई, पर मैं ना मेरी मैं ना मैं तो तेरा हो गया। दानी दानी जल्दी इधर आओ। क्या? देखो 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 उसे। मैं कहता था ना ये बहुत चालू लड़की है, सीधे दादाजी को लाइन मार रही है। सच? हाँ। क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को? जब ये मेरे पति की तस्वीर देखकर इस तरह नाच रही है तो वो जिंदा होते तो उन्हें लेकर भागी जाती। शालू शर्मा बेशर्मा। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं बड़ी मुसीबत में हूं, मेरे छोटे भाई की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। सेठ जी बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं, निराश मत कीजिए, दया कीजिए। क्या बात कर रहे हो अमर बाबू? भाई साहब ने बताया है कि जो कर्ज आपने लिया है उसका असल तो क्या, ब्याज भी नहीं दे रहे हो। मैं कोर्ट नोटिस लेकर आपके घर आने वाला हूँ, बात समझ आई अमर बाबू? चलो मेरे साथ। क्यों? देखो ये ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट है, कुछ काम है तुम्हारे साथ। कम ऑन प्लीज। चलो ड्राइवर आओ। राजा ये तो अमीरों के शौक का खेल है, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? अमीर बनाने के लिए। वैसे इस खेल का अपनी जिंदगी से बहुत करीब का रिश्ता है। ये जो लाल बॉल नजर आ रहे हैं ना ये आम लोग हैं तुम्हारी तरह, और ये जो पिंक ब्लू ब्लैक ब्राउन ग्रीन और येलो बॉल्स है ना ये समाज के इज्जतदार लोग हैं मेरी तरह। बाकी रहा ये सफेद बॉल। इन सारे बॉल्स में से किसी को भी हटाने या कहीं भी भेजने की ताकत सिर्फ इस सफेद बॉल में है, और वो सफेद बॉल हम हैं। इसे सफेद बॉल नहीं क्यों बॉल कहते हैं? अच्छा, और इसे क्यों कहते हैं? इसमें इतनी ताकत होती है कि यह सबसे ज्यादा ताकतवर इस क्यू बॉल को भी जहां चाहे जिस कॉर्नर में चाहे भेज सकता है। और ये क्यों मैं हूं। शाबाश सक्सेना, शाबाश, बहुत काम का आदमी लाए हो। ऐसे काम के आदमियों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं भी बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारे जैसे आदमी को हम लोग आंखें बंद करके काम पर रख लेते हैं, और हम हर काम की कीमत भी अच्छी देते हैं। धमकी देने का 1,000, मारामारी करने का 5,000, हाथ पैर तोड़ने का 15,000, आखून करने का 50,000। मतलब आप मुझे गुंडे की नौकरी दे रहे हैं? नहीं, गवर्नर की। अरे गुंडे की ही है लेकिन ऐसे वैसे की नहीं, A1 फर्स्ट क्लास गुंडे की। आराम से रहोगे, इज्जत से जियोगे, चार लोग तुम्हें सलाम करेंगे, और क्या चाहिए तुम्हें? बस मेरे कुछ उसूल हैं, मैं धमकी नहीं देता। चलेगा, मारामारी करता हूं मगर जब किसी गरीब का हक छीना जाता है तब, हाथ पैर भी तोड़ता हूं मगर जब किसी मजबूर के साथ नाइंसाफी होते देखता हूं तब। और रहा सवाल खून करने का, वो मैंने आज तक नहीं किया मगर करूंगा। कब? जब इन जैसे पुलिस वाले तुम जैसे गुंडों के साथ मिलकर इस राज को गुंडा राज बनाने की कोशिश करेंगे तब। तुम बंदूक से थोड़े ज्यादा हो, तोप से थोड़े कम। नहीं सक्सेना नहीं, ये आदमी काम का नहीं है। राजा तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो, किससे कह रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं,
कानून के रखवाले होकर गुंडों का खात्मा करने की बजाय देश के बेरोजगार नौजवानों को गुंडा बना रहे हो। पति खुद अपनी पत्नी को बाजार में बेच जाए उससे भी घटिया और गिरा हुआ काम किया है तुमने। राजा, डोंट शाउट, शेम ऑन यू। तुम्हारे सारे आदमी औरतों से थोड़े ज्यादा हैं, मर्दों से थोड़े कम, तुम्हारी तरह। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस लड़के को अपने हाथों में लेना ही होगा, फिर चाहे ये प्यार से माने या मार से। हे दादी, क्या हुआ? भैया क्या बात है? भाभी सब लोग क्यों खामोश हैं? अब आखिर बात क्या है? बड़े भैया, लिखते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर मजबूर हूं। इम्तिहान बस अब सर पर ही हैं। दो चार रोज में पैसे नहीं मिले तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मेरे लिए आज तक जो भी आप लोगों ने किया है वो बहुत है। पैसों का इंतजाम ना हो सके तो मेरी फिक्र मत करना, लेकिन ऐसी सूरत में मैं वापस आकर आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहूंगा। आपका रवि। बड़े भैया, तुम तो जानते हो राजा, हमारा रवि कितना जज्बाती है। ऐसी सूरत में वो कहीं खुदकुशी न कर बैठे। अरे राजा, वो दीपक यादव, दीपक अपने साथ कॉलेज में पढ़ता था, वो लंबू मोटरसाइकिल वाला। हाँ वही, 20-25 हजार उसे मांगेंगे तो मना नहीं करेगा, लाखों रुपए कमा रहा आजकल। अरे अरे, क्या बकवास कर रहे हो तुम? और वो एक्सीडेंट मेरी बेटी ने किया, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? उस हादसे को मेरे अलावा और भी बहुत से लोगों ने देखा है, और सबूत मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कहां पहुंचाए जाते हैं और कैसे। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप अंदर आइए। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, एक्सीडेंट मेरी बेटी ने ही किया है, लेकिन ये सारे घर की सजावट देख रहे हैं आप? कल मेरी उसी बेटी की शादी है, और इकलौती बेटी है मेरी वो। अगर पुलिस को पता चल गया तो कल मेरी बेटी शादी के मंडप की बजाय हवालात में दिखाई देगी। ये शादी तो रुक ही जाएगी, लेकिन ये रिश्ता भी टूट जाएगा, और उसका घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन उस आदमी का क्या होगा जिसका एक्सीडेंट हुआ है? मैं उस आदमी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। उसके अस्पताल का सारा खर्चा मैं करूंगा, उसके ऊपर वो जो मांगेगा मैं दूंगा। अपनी बेटी का सारा इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगा, और मैं खुद जेल चला जाऊंगा। कन्यादान कौन करेगा? तमाम गवाहों के बयान के मुताबिक अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राजा की लापरवाही की वजह से ही एक अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी अपाहिज हुआ है। अदालत राजा को इस हादसे का जिम्मेदार मानते हुए मुजरिम ठहराती है और सेक्शन 348 IPC के तहत 6 महीने कैद की सजा सुनाती है। जेलर साहब बुला रहे हैं। सर,
सर आपने मुझे बुलाया? सर आप? एक जेलर होते हुए मैंने जो हरकत की है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मेरा यकीन मानो राजा, अगर मेरी बेटी के भविष्य का सवाल ना होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। पुरानी बातों को छोड़िए सर, ये बताइए निशा खुश तो है ना? बहुत खुश है, और ये खुशियां उसकी झोली में तुम ही ने डाली है। सर आपने भी जो मेरे लिए किया है वो? कुछ नहीं किया है, जो तुमने मेरे लिए किया है ना उसके सामने कुछ नहीं किया है। भगवान ने इतनी छोटी उम्र में तुम्हें इतना बड़ा दिल दिया है, ये चाहता है तुम्हें गुरु मान लूं। सर आप मुझे गुरु? हाँ गुरु। गुरु? गुरु से मिलने आई हो? क्या लगती हो उनकी? गुरुनी। गुरुनी? ओफो, तुम इतना भी नहीं समझते। मैं उनकी पत्नी हूँ। पत्नी? क्या कहा तुमने? तुम हमारे गुरु की पत्नी हो? अरे वाह। अरे बेटी तो तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, बैठो ना, आओ आओ यहाँ बैठो, आओ बैठो, आराम से बैठो। अरे भाई मुंह क्या देख रहे हो, जाओ कुछ ठंडा गरम चाय कुछ ले आओ। जी अभी लाया। लेकिन बेटी। जी अंकल। गुरु तो कह रहे थे कि वो कुंवारे। एक तरह से वो कुंवारे जैसे ही हैं। हम दोनों ने शादी तो कर ली, मगर अफसोस अभी तक सुहागरात मनाने का मौका ही नहीं मिला। उस रात मैं अकेली स्टेज पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी, मगर वो नहीं आए। और जब सुबह हुई तो पता चला कि वो किसी एक्सीडेंट के जुर्म में हवालात में बंद हो गए हैं। अब एक तरह से वो कुमारी जैसे ही हुए ना। गुरु जब तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतना अच्छा पति मिला। ये लो चाबी, और जाके अपने पति से आराम से इत्मीनान से चाहे जितनी बातें करो। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। मगर अंकल अपनी नई नवेली दुल्हन को यहाँ देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा? हो सकता है वो चीखे चिल्लाए मगर उनकी आवाज सुनकर आप वहां मत आ जाना, वरना उन्हें मनाने का मौका ही नहीं मिलेगा मुझे। नहीं 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 बेटी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। कान होते हुए भी हम लोग सब बहरे हो जाएंगे। हाँ, और जब तक तुम्हारे चिल्लाने की आवाज नहीं आएगी ना, हम में से कोई वहां कबाब में हड्डी बनने के लिए नहीं आएगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हे भगवान, ये लड़की सपने में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सच है? तुम शालू शर्मा? बचाओ! जेलो साहब, जेलो साहब! अरे कोई है? अरे हवलदार देखो, देखो। ए, ए, रुको रुको हवलदार, जेलो साहब, कोई वहां मत जाना। अरे बचाओ जेलर साहब, बचाओ प्लीज। ऐसे जोर जोर से चिल्ला के कोई फायदा नहीं, तुम्हारी आवाज सुनकर भी कोई नहीं आने वाला। एक रफाड़ा मारूंगा। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? ये तो सोचो मैं इतने दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों आई हो? चुम्मा लेने। चुम्मा? क्या चुम्मा? हाँ, तुम्हें चुम्मा भी नहीं मालूम? इंग्लिश में किस और हिंदी में पप्पी। चाबी, चाबी तुम्हारे पास? चाबी दो। अरे चाबी दो ना। ले लो। पास मत आना। ले लो। पास मत आना। ले लो ना। पास नहीं आऊंगी, दूर चले जाऊंगी। पास नहीं आऊंगी, दूर चले जाऊंगी। पास नहीं आऊंगी, दूर चले जाऊंगी। छेड़ूंगी मैं ना तुझे, अरे छेड़ूंगी मैं ना तुझे। एक पप्पी दे दे मुझे, एक पप्पी।
बसा लूं मैं तेरे चेहरे को निगाहों में छुपा लूं मैं तेरी यादों को ख्यालों में बसा लूं मैं तेरे चेहरे को निगाहों में छुपा लूं है तू मेरे पास है सांसों की प्यास है तू मेरी रानी है दिल की कहानी है तू धड़कनों में बसे एक पप्पी दे दे मुझे 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 पास नहीं आऊंगा चला जाऊंगा पास नहीं आऊंगा दूर चला जाऊंगा छेड़ूंगा मैं ना तुझे छेड़ूंगा मैं ना तुझे एक पप्पी दे दे मुझे 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 चलो बाहर निकल एक क्या कर रहे हो गुरु क्या कर रहे हो क्यों बरस रहे हो बेचारी पे इतना कोई पत्नी के साथ ऐसा सुलूक करता है क्या पत्नी कौन पत्नी किसकी पत्नी कैसी पत्नी अरे जेलर साहब आपका दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं यार अरे इससे मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है नहीं प्लीज ऐसा मत कहिए चुनाव अंकल जी आप ही बताइए ना कोई भी हिंदुस्तानी नारी किसी गैर आदमी का हाथ पकड़कर मेरा पति कहेगी क्या ना बेटा ना बिल्कुल नहीं कहेगी जेलर साहब आप इसकी बातों मत आइए देखो गुरु एक हिंदुस्तानी लड़की है ना इस किस्म की बातें हरगिज़ अच्छा, नहीं करेगी अगर ये सच कह रही है तो इसे अपना मंगलसूत्र दिखाने के लिए कहिए गुरु बेटी दिखा दो मेरा मंगलसूत्र आज मॉर्निंग ना नहाते वक्त ना मैं बाथरूम में भूल गई बाथरूम में भूल गई कोई बात नहीं अगर ये मेरी पत्नी है तो इसकी मांग में सिंदूर क्यों नहीं पूछिए सिंदूर की डिब्बी भी उसी बाथरूम में भूल गई है ना वही 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 अंकल देखिए ना ये मुझे अंकल सब समझ गए हैं समझ गए हाँ अंकल को तुम चूना लगा रही हो करेक्ट यूं जज्बात में बहाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो समझे निकलो यहाँ से शाबाश गुरु निकलो यहाँ से वरना मेरा नाम मृणाल चटर्जी है और मैं उस जेल का जेलर हूँ जहाँ तुम्हारा छोटा भाई राजा 6 महीने की सजा काट रहा है 25,000 का ये ड्राफ्ट भेज तो मैं रहा हूँ मगर ये पैसे राजा के हैं उस कुर्बानी के हैं जो उसने तुम्हारी खातिर दी है दादी राजा राजा मार मुझे मुझे तू भी गालियां दे उस रोज क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुझे अरे तूने इतना बड़ा हमारे लिए काम किया और मैंने तुझे कितनी गालियां दी अरे दादी माँ क्या कह रही हो तुम ऐसा कौन सा काम किया है मैंने अपने भाई को सूट में देखने के लिए तूने कह दियो कि ये वर्दी पहन ली और पूछता है कि मैंने क्या किया राजा भाभी राजा राजा सबसे छोटे होकर भी तूने सबसे बड़ा काम किया मेरी नजरों में तू बहुत बड़ा हो गया है बहुत बड़ा हो गया भैया राजा राजा
अरे पप्पू मुन्नी कैसे हो तुम लोग, आओ मेरे पास। ए, मुझे भी एक पप्पी दो ना, जल्दी जल्दी, मैं कब से बेताब हूँ। कम ऑन, इससे पहले कि कोई देख ले, कम ऑन जल्दी, कम ऑन। अच्छा अच्छा, खड़े खड़े, गुड 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 गुड। तू फिर यहाँ आ गई, चल यहाँ से निकल। जेलर साहब, ये हमारे साथ। हाँ 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 हाँ। बेटे, अब हम चलते हैं। अच्छा दादी। जेलर साहब, हमारे राजा का ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस यूं समझिए जेल में नहीं अपने घर में है। थैंक यू सर। यू वेलकम। अच्छा राजा, हम चलते हैं। आइए। बाय बाय चाचा। शालू, तुम उनके साथ नहीं जाओगी? मेरे साथ यहीं रहोगी? वेरी गुड, थैंक यू। एक रफा मरो, चल निकल, भाग निकल, चल। नमस्कार, मेरा नाम शांति प्रसाद दंगा, एमएलए। लेकिन आप लगते हैं दंगे से थोड़े ज्यादा, शांति से थोड़े कम। शक्ल ही कुछ ऐसी है सरकार। तेजपाल साहब, अगर आप क्यों मेरे बीच में ये सौदा तय हो गया, मैं मरवा दूंगा। किसे? अपने आप को? नहीं नहीं, अपने आप को नहीं, एक एमएलए है, बहुत अच्छी औरत है, इसलिए बुरी लगती है मुझे। इंदु मल्होत्रा की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मगर उसके होम मिनिस्टर बनने के चांसेस मुझसे कहीं ज्यादा है। अगर उसका मर्डर किया जाए तो होम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए मैं अकेला कैंडिडेट बचता हूँ। होम मिनिस्टर बनते ही मैं अपनी सारी स्टेट आपके कदमों में ला के रख दूंगा। वो सब बात की बातें हैं। हाँ। इस काम के हम 50 लाख रुपए लेंगे। हाँ ठीक, मैं देने के लिए तैयार। मैडम, कोई मिस्टर अमर आपसे मिलने आए हैं। साहब को विजिटर्स रूम में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। आप अंदर बैठिए, मैडम अभी आती है। शुक्रिया। अरे आज तू आधा घंटा पहले कैसे आ गया? तेरी नई नई शादी हुई है ना, जा घर जा। हो गया? Yes, sir. Good, very good, excellent. Thank you, sir. लेकिन एक काम अभी बाकी है। क्या? क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर, मैं उस वक्त इंदु मल्होत्रा जी के घर पर ही था। उनके कातिलों को मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया, और उस सिक्योरिटी गार्ड को तेजपाल के छोटे भाई नागपाल ने मारा है, ताकि ये राज राज रहे कि इंदु जी के असली कातिल वो लोग हैं। देखो मिस्टर अमर, ये बहुत बड़े लेवल का गेम है और तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। इस वक्त तुम कहां से बात कर रहे हो? जी जी, वो सिविल हॉस्पिटल के सामने जो टेलीफोन बूथ है, मैं वहां से बोल रहा हूँ।
ठीक है, तुम एक काम करो, तुम वहीं रहो, मैं खुद आता हूं। थैंक यू। ये तो राजा की बड़ भैया। चल देखते दिनों से जेल नहीं गए ना, तो एक काम करो, ट्रक को इस लाश के ऊपर से चला दो और एक्सीडेंट के जुर्म में थोड़े दिनों के लिए जेल में जाकर आराम करो, ताकि किसी को हम पर शक न हो। ओके सर। कैसे कैसे हुआ? लॉरी एक्सीडेंट में। ले लीजिए। अच्छा, तो तू है वो लॉरी ड्राइवर जिसने हमारे गुरु के बड़े भैया की जान ले ली। मुजरिम को आपके हवाले कर दिया है, अब मैं चलता हूं। ठीक है ठीक है। 302-117 इसे सेल में बंद कर दो। कुछ लोग साहिल पर आकर डूब जाते हैं इंस्पेक्टर, ये रवि कुमार भी उन्हीं में से एक है। अब मैं देखता हूं ये कैसे कलेक्टर बनता है। इंस्पेक्टर तुम जा सकते हो। यस सर। उस तस्वीर के बारे में कुछ भी लिखने से पहले एक बार इन तस्वीरों का रंग भी देख लो। ये सब क्या है? जो दिखाई दे रहा है
तुम्हारी बहन इस प्यारे से लड़के से प्यार करती है, दोनों साथ में पढ़ते थे। कहीं ऐसा ना हो कि अपने दुश्मन की जिंदगी बर्बाद करने में तुम अपनी बहन की जिंदगी तबाह कर बैठो। तो अब मैं क्या करूं? ओहो सक्सेना, तुम चील से थोड़े ज्यादा हो, गिद्ध से थोड़े कम। तुम इसके साले बन जाओ और वो साला राजा जो अपने खिलाफ दीवार बना हुआ है वो दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी। अरे कलेक्टर रिश्तेदार होगा तो अपने सारे काम बड़ी आसानी से हो जाया करेंगे। कमल तो किस्मत ही फूट गई, किस्मत फूट गई, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ दादी? हमारा तो सब कुछ टूट गया बेटे। दादी हुआ क्या? चाचा चाचा पापा, क्या हुआ पापा बोलो। उस वक्त आपके इम्तिहान चल रहे थे और इम्तिहान के दिनों में मैं आपको इतने बड़े इम्तिहान में नहीं डालना चाहता था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो नहीं राजा। अच्छा गुरु अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना हिचकिचाट के मेरे पास चले आना। जरूर। ए, ये क्या मुंह बना के रखा है? जब मैं जेल जा रहा था तब भी तुम ऐसे ही थे, आज रिलीज होकर आ रहा हूं अभी ऐसे ही हो। अरे थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज करो यार। राजा तुम्हारे बड़े भैया को। ठीक है गुड्डू ठीक है, वो क्या है राजा की बड़े भैया की मौत का सदमा ये भुला नहीं पाया है। नहीं राजा नहीं, तुम तुम्हारे बड़े भैया क्या बचपना है यार। ठीक है कंट्रोल गुड्डू कंट्रोल प्लीज। चल राजा चल चला चल चल जल्दी से काम निपट ले, इतना काम पड़ा है कोई समझता ही नहीं बस लगे हैं। अरे तू अभी तक स्त्री में लगी हुई है, जा रसोई में जाके मसाला पीस। अच्छा दादी। आज मछली और काजू का पुलाव बनाना है राजा के लिए। अरे तू अभी बालों में उलझी हुई है, राजा आ रहा है मालूम नहीं क्या। हेलो हाउ आर यू? इट्स अ लवली सरप्राइज। दादी मैं ये यहाँ के एसपी साहब। नमस्ते। नमस्ते। एसपी मैं औरों के लिए हूँ माजी, आपके लिए नहीं। वैसे मेरा नाम शिवेंद्रनाथ सक्सेना है और ये मेरी बहन रितु है। नमस्ते तीरो। बैठिए ना आप लोग। शालू जरा चाय बनाना। हाँ अभी लाई। चलो चलो चलो। एसपी साहब आप जैसे बड़े आदमी ने हम जैसे छोटे लोगों के घर आने की तकलीफ कैसे की? कोई छोटा बड़ा नहीं होता माजी, और अगर मैं इन बातों को मानता तो रिश्ते की बात करने ही क्यों आता। रिश्ता? हाँ माँ जी, मैं अपनी बहन को आपके घर की बहू बनाना चाहता हूँ। रितु और रवि एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, और फिर आपका पोता शर्मिला है वो अपनी शादी की बात आपसे कर नहीं सकता, इसलिए मैं खुद चला आया। देखिए हमारे घर का एक उसूल है, घर का छोटे से छोटा फैसला भी हम सारे घर वाले आपस में मिलकर करते हैं, और ये तो बड़ा फैसला है। जब तक मेरा छोटा पोता आ न जाए जेल से। मुझे सब पता है माजी, मगर ऐसे फैसले तो घर के बुजुर्ग लोग करते हैं, इनमें बच्चों का क्या काम। आपके पोते के आने से पहले हम आपस में तय कर लेते हैं और उसके आते ही उसे खुशखबरी सुनाकर उसका मुंह मीठा कर लेंगे। देखिए एसपी साहब, हमारा राजा छोटा जरूर है लेकिन उसकी राय हमारे लिए मिठाई से भी ज्यादा मीठी है, उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा।
सक्सेना साहब ये मेरा छोटा भाई राजा है। कैसे हो भैया? अच्छा तू कैसा है? मैं ठीक हूँ राजा। ये इन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ भैया। एसपी साहब आप जरा मेरे साथ बाहर चलेंगे, कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे। ऑफ कोर्स जरूर। एक्सक्यूज मी बैठो बैठो। अच्छा ये बताइए अंदर आप जो ड्रामा कर रहे थे ये सब क्या है? ड्रामा नहीं कर रहा हूं, मैं शादी की बात करने आया हूं। अब हम लोग बहुत जल्द रिश्तेदार बनने वाले हैं। एसपी साहब आपने देखा होगा अब तक हम लोगों ने घर में कुत्ता नहीं पाला, इसलिए नहीं कि हम उसके आगे दो वक्त की रोटी नहीं डाल सकते, बल्कि इसलिए कि कोई अच्छी नस्ल का मिला ही नहीं। अब आप खुद सोच लीजिए जब हम कुत्ता भी नस्ल देकर रखना चाहते हैं फिर आप तो रिश्तेदार बनने की बात कर रहे हैं। जवान हो ना इसलिए दिमाग की बजाय दिल से काम लेते हो, मगर ठंडे दिमाग से जरा सोचो कहां तुम और कहां हम। तुम्हारी औकात हमारे घर के नौकर से ज्यादा नहीं है और हमारी हैसियत को तो तुम अच्छी तरह जानते हो, मगर फिर भी हम जमीन के साथ आसमान का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं कि इसलिए कि मेरा भाई कलेक्टर बनने वाला है। तुम्हारे गंदे दिमाग की गंदी साजिश में अच्छी तरह जानता हूं। अपने कलेक्टर जीजा की आड़ में तुम अपने मुजरिम साथियों को बचाना चाहते हो, मगर ये मत भूलो कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में मैं खड़ा हूं। राजा मैं जिंदगी में बहुत कम फैसले करता हूं, लेकिन एक बार फैसला कर लूं तो वो पहाड़ से भी ज्यादा अटल होता है, और ये तो पत्थर की लकीर है कि मेरी बहन तुम्हारे घर की ही बहू बनेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस घर के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। उंगली दिखाने से पहले जरा ये देखो, ये तुम्हारे भाई की किस्मत की किताब है जिसपे उसकी तकदीर भगवान को नहीं मुझे लिखनी है। किसी भी आईएएस ऑफिसर को कलेक्टर बनाने के पहले सरकार उसका फैमिली रिपोर्ट देखती है। यह फैमिली रिपोर्ट बनाने का काम मुझे सौंपा गया है। अगर मैं इसमें लिख दूं कि उसका छोटा भाई गुंडा है, जेल तक काट चुका है, तो तुम्हारा भाई कलेक्टर तो क्या कंडक्टर भी नहीं बनेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं अंदर चलता हूं, मेरी चाय ठंडी हो रही है। बधाई हो सक्सेना। अरे भाई बड़ा रंग जमा रखा है तुमने। क्या बात है, बड़ी रौनक है यहाँ तो। बस आपकी मेहरबानी है तेजपाल साहब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वाह 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 क्या बात है। अरे भाई सक्सेना बहुत खूब रिश्ता जोड़ा है तुमने। तुम्हारे हाथों में सबसे ज्यादा ताकतवर क्यों आ गया है, संभाल कर रखना इसे। हाँ कभी बिलियर्ड खेलना होगा तो काम आएगा। चलिए चलिए तेजपाल। इस फूलों की माला से इनको श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए ताकि इस महान आत्मा को शांति मिले। ओम मंगलम। अमर जी आप हमेशा अमर रहें। देखो जिन हाथों से बड़े भैया का खून हुआ वही हाथ उनकी तस्वीर पर फूलों की माला डाल रहे हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं बता दूंगा सबको। पागल हो गया क्या? देखो अगर गुड्डू यहाँ रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। चलो चल तू यहाँ से। सर्वमंगल मंगल
मंगले शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर बहन ओम तदेव लग्न सूची ओम तदेव तारा बलम चंद्र बलम च विद्या बलम देव बलम च देव लक्ष्मी पतेन्द्र शुभ्रतम शुभ। कितनी बेरहमी से मारा था इन लोगों ने बड़े भैया को। तेरा बस चले तो इन कमीनों को मैं कुत्ता की मौत मार दूं। धीरज रख यार गुड्डू, भगवान ने चाहा तो। अरे भगवान कुछ नहीं कर सकता, और अगर भगवान होता तो इतना बड़ा अनर्थ होने ही नहीं देता। गुड्डू ठीक कह रहा है। अरे सक्सेना जैसे कानून के रखवाले जिन बड़े लोगों के पालतू कुत्ते बन जाते हैं तो भगवान भी उनके सामने बेबस हो जाता है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा नहीं कहते यार, सुन एक आइडिया मेरे पास। अगर पुलिस उनके साथ है तो ये जरूरी थोड़ा सरकार भी उनके साथ है। क्यों ना हम बड़े भैया के कत्ल के सारे सबूत होम मिनिस्टर को भिजवा दे। होम मिनिस्टर गुड्डू शायद तू ठीक कह रहा है। हाँ दादी जल्दी बाहर आओ। नमस्ते कलेक्टर साहब। अच्छे इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हो भैया। थैंक यू। भाभी सरकार की तरफ से मुझे रहने के लिए बहुत बड़ा बंगला मिला है। आज के बाद हम सब लोग वहीं चलकर रहेंगे। हम सब लोग वहां चलकर क्या करेंगे, और वैसे भी हमें यहां कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ होगी राजा। आज मैं जो कुछ भी हूं तुम लोगों की वजह से हूं। ये इज्जत, ये दौलत, ये शान और शौकत सब तुम लोगों का ही तो दिया हुआ है। अगर ये सब मैं तुम लोगों के साथ नहीं बांट सकता तो ना मुझे वो बंगला चाहिए और ना ही कलेक्टर की पोस्ट। नहीं भैया। नहीं बेटा, हम लोग सब तुम्हारे साथ आएंगे, सब चलेंगे। हैं हेलो शालू शर्मा, तू भी चल रही है हमारे साथ? ये भी कोई पूछने की बात है? जहाँ तुम वहाँ मैं। हाँ मेरे बगैर तुझे खाना हजम नहीं होता है ना? हाँ रे। देख शालू कान खोल कर सुन, तू वहाँ हमारे साथ नहीं जाएगी, समझी? देखो ना दादी, ये कह रहा है कि मैं आप लोगों के साथ वहाँ नहीं जा सकती, मुझे यहीं रहना पड़ेगा। राजा ठीक ही कह रहा है बेटी। मेरे बड़े बेटे को गुजरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, बिना दिया जलाए घर को रख भी तो नहीं सकते, तू यहीं रहना। मगर दादी। मगर दादी अब कुछ नहीं हो सकता, घर का ख्याल रखना समझी। आइए 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 माँ जी। माँ जी ये आपका कमरा है, आइए ना प्लीज कम। कैसा लगा तुझे अपना नया घर? अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। सुना है आपका भाई राजा गुजारे के लिए टैक्सी चलाना चाहता है। तो इसमें बुराई क्या है? बुरा क्या है, एक कलेक्टर का भाई टैक्सी चलाए, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं होगी? राजा ने किसी और का जुर्म अपने सर पर लेकर मुझे कलेक्टर बनाया, इस बात की मुझे कोई शर्म नहीं। और ये सब तुम्हें मालूम था, तुम्हें भी कोई शर्म नहीं? आज अगर मेरा भाई किसी पर बोझ न बनकर अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है तो मुझे खुशी है इस बात की। आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर। देख राजा आज से तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है। और राजा सुन, टायर को बिल्कुल नींबू के ऊपर से लेके जाना। हाँ राजा, कोई अशुभ शगुन नहीं होना चाहिए। अरे मेरे लिए तो तुम लोग ही शुभ शगुन हो। यही ना बात। एक मिनट, ये पकड़ इसे। ये फोटो है ना तुम्हारी टैक्सी और गणपति का, तुम्हारी फोटो जरूरी। हट ना पीछे, फोटो बहुत जरूरी है। अरे बस बस चलो। अबे तूने अपनी शक्ल देखी है क्या? एक्सक्यूज मी प्लीज। टैक्सी खाली है क्या? हे भगवान, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ऐसे कर मत फोड़ो, साथ में कभी कभी किस्मत भी फूट जाती है। वो तो तेरे आते ही फूट गई, अब बची क्या है जो फूटेगी? तुम्हें शायद मेरी बोनी के बारे में नहीं मालूम, कितनी लकी है। मेरी बोनी की वजह से छोटी छोटी चाय की दुकानें बड़ी बड़ी फाइव स्टार होटलें बन गई हैं। देख लेना तुम्हारी ये टैक्सी एक दिन हवाई जहाज बन जाएगी।
मैं टैक्सी के नीचे सर रखकर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुझसे बोनी नहीं करवाऊंगा। अरे राजा, जब खूबसूरत जवान और अच्छी लड़की खुद बोनी करने को तैयार हो तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए। अरे तुझे नहीं मालूम, ये बहुत पकाऊ लड़की है, मेरा भेजा खा जाएगी। ओहो राजा, पहली सवारी को ठुकराना नहीं चाहिए, अशुभ होता है। मैडम आप बैठिए अंदर। हाँ, सामान अंदर रख दो। हे ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। लगता है भगवान ने हमारी किस्मत में लिख दिया है कि हम दोनों साथ मिलकर ही सफर करें। क्या बोली? मेरा मतलब है टैक्सी में। बच गई। ओफो, नया ड्राइवर, बदन के सारे अंजर पंजर ढीले कर दिए। लाइसेंस किसने दिया तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आगे चलो। ड्राइवर, सामान अंदर लेके आओ। ड्राइवर सामान लेकर अंदर नहीं आता। ओह, तो ड्राइवर क्या करता है? सामान को उठाकर ऐसे फेंकता है। फेंक दिया, दफा हो जाओ। ए, जाती कहाँ है? मेरा भाड़ा निकाल। भाड़ा? भाड़ा कैसा भाड़ा? मेरे टैक्सी का भाड़ा, 15 रुपीज। ओ, टैक्सी का भाड़ा। वो क्या है कि आज और कल बैंक हॉलीडे है, तो परसों आना और अपना चेक लेके जाना। तेरी बैंक कहाँ है मुझे अच्छी तरह मालूम है। कहाँ है? निकाल निकाल निकाल। देखो देखो, बाहर अच्छा नहीं लगता। अंदर अच्छा लगेगा क्या? निकाल, पब्लिक देख रही है। अरे देखो तो, निकाल। अरे दे रही हूँ ना, भारतीय नारी की कोई इज्जत ही नहीं रही आज। बड़ी भारतीय नारी आ गई। अरे ये तो 10 है, 5 और निकाल। थोड़ा सा एडजस्ट करो ना। एडजस्ट? एक रफाड़ा मारूंगा। निकाल, कंजूस कहीं का। बहुत दिनों से तुझे अकेला देख रहा हूँ मेरी जान, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। बचाओ। अरे बाप रे, कहाँ जाती है? कुत्ते, कमीने, जलील, छोड़ दे मुझे। अरे बाप रे, कहाँ है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो। We'll be right back.
चला जाऊं करार कहीं आता नहीं धड़कन बढ़ाएगा तुझको सताएगा धड़कन बढ़ाएगा तुझको सताएगा बंजारा बंजारा तेरी गलियों का बंजारा बड़े लोग आते जाते हैं ये घटिया फोटो यहाँ अच्छा नहीं मेरी जुबान हाउ डेयर यू माइंड योर लैंग्वेज शट अप यू शट अप राजा देखा देखा आपने आपका भाई कितनी बदतमीजी
तुम बीवी हो और ये लोग वो हैं जिनकी वजह से आज मैं जिंदगी में कुछ बना हूं। इनके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राजा, बड़े भैया की तस्वीर इधर लाओ। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इज्जत से ले जाकर यह तस्वीर वहां रखा दो। सॉरी भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। नहीं नहीं, अरे दंगे फसाद तो रोज हुआ करते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए फोन मत किया करो। दंगा जब ना हो ना तभी मुझे फोन करना। सर, सेंट्रल जेल में एक मुजरिम उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसे पेरोल पर छुड़ाने की रिक्वेस्ट की गई है। अरे मैं होम मिनिस्टर हूँ, होम मिनिस्टर कोई मुजरिमों का साथी नहीं। ऐसी घटिया रिक्वेस्ट भेजते हुए उन्हें शर्म नहीं आई? सर, 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। दो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी से पेन दे, दे और बता कहाँ साइन कर। यहाँ सर, यहाँ। छोटा करूँ या बड़ा? 2 लाख है, छोटा ही कर देता हूँ। ये ले, जल्दी से बता आगे क्या है। सर, एक मर्डर केस के बारे में कुछ सबूत भेजे गए हैं। खत में लिखा है कि कुछ समय पहले अमर नाम के जिस आदमी का कत्ल हुआ था वो कत्ल तेजपाल ने किया है। अरे काहे का मर्डर? कौन अमर, कौन तेजपाल, इसमें हमें क्या है? क्या नाम है? तेजपाल। यस सर। अरे दिखा, फाइल दिखा, फाइल दिखा। पचास लाख रुपए लिए थे ना मुझसे, अब आए हो तुम दोनों मेरे हाथों में। दिखाता हूं, दिखाऊंगा तुम दोनों को। हार में 40 लड़के लड़कियों का अंतर जातीय विवाह और माफ करना माता जी, राजस्थान में नई नहर से 12 लाख ग्रामीणों को फायर। आपका नाम गोविंद आहूजा है ना? जी। आपकी शिकायत होम मिनिस्टर साहब को मिली है और उन्होंने उसकी इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। जी। आप लोग सारे सबूतों के साथ कल सुबह 9 बजे इस पते पर आ जाइए। Yes, sir. But keep this as a secret. Yes, sir. हम लोग सुबह आ जाएंगे सर। हम सब आ जाएंगे सर। हम लोग सुबह पहुंच जाएंगे सर। ठीक 9 बजे सर। लगता है दुनिया में अच्छाइयां शुरू हो रही है। होम मिनिस्टर साहब, जिंदाबाद। पिछले 2 सालों से एक ही ख्वाहिश रही है मेरी कि अपने जन्मदिन पर तुम्हारे लिए एक जरी की साड़ी और सोने का हार लेकर आऊं ताकि तुम उन्हें पहनकर मेरे सामने एक नई नवेली दुल्हन की तरह आओ। बाय भैया। अरे भाई, अगर मैं यहां तक आया और तुम्हारे पति से नहीं मिला तो वो बुरा मान जाएगा। चलो चलो, मैं भी अंदर चलता हूँ। बाबू, गाड़ी जरा रिवर्स कर लेना। हमें इन लोगों को इस घर से निकालने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। कौन है वहां? Who's that? Hey, कौन है उधर? रुको। मुझे आज ही पता चला कि एक विधवा औरत अपने यार के आने पर मांग में सिंदूर वापस भर लेती है। भाभी, मैंने आज तक आपको अपनी मां से भी बढ़कर समझा, लेकिन आपने उस रिश्ते की गरिमा को तबाह कर दिया है। ये इज्जतदार
लोगों का घर है, यहां बेइज्जत लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अब तुम्हें जहां जाना है इसका फैसला तुम खुद करो। वाह कलेक्टर साहब वाह, बहुत खूब इंसाफ किया है आपने। एक जज बनकर तो आपने अपना फैसला सुना दिया, अब थोड़ी देर के लिए एक भाई बनकर भी उस फैसले पर गौर कर लीजिए। तुम हर वो चीज जो आंखें देखती हैं सच नहीं हुआ करती। अच्छा, ये जो साड़ी इन्होंने पहन रखी है ये झूठ है, ये जो माथे पर सिंदूर लगा रखा है ये झूठ है। मैंने खुद अपनी आंखों से इस कमरे से निकलते भागते उस ड्राइवर को देखा, वो भी झूठ है। वो सब सच है मगर आपने उसका जो मतलब निकाला है वो गलत है। भैया आप बरसों से भाभी को जानते हैं, जरा सोचिए सीता जैसी हमारी भाभी पर। सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, लेकिन यह रामायण एक बार फिर गौर से पढ़िएगा भैया। सीता से अग्नि परीक्षा राम ने मांगी थी, लक्ष्मण ने नहीं। हाँ। बड़े का जन्मदिन था इसलिए इस बिचारी ने ये सब। दादी किसी को कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं, भाभी को अंदर ले जाओ। आओ बो छीछी। इसमें छीछी करने की क्या बात है, साफ साफ घर से निकल जाने को कहने के बाद भी अंदर ही घुसे जा रहे हैं, बेशर्म। शर्म की बात तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम में और तुम्हारे भाई में जरा सी भी शर्म होती तो तुम लोग हमें घर से निकालने के लिए इतनी गिरी हुई और जलील हरकत कभी नहीं करते। अपनी बड़ी भाभी को बचाने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं, अपनी छोटी भाभी को बचा रहा हूँ। मुझे? हाँ, जिस ड्राइवर को तुम और तुम्हारे भाई ने यह नाटक करने के लिए कहा था उसे लाकर अगर मैं अपने भाई के सामने खड़ा कर दूं तो सोचा है तुम और तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? तुम लोग जितने घिनौने खेल खेलना चाहते हो खेल लो, मगर हमारे परिवार को अलग नहीं कर सकते। जाकर ये बात अपने कमीने भाई को बता देना। कमीना? हाँ कमीना। सिर्फ तुम में ही नहीं, तुम्हारे सारे परिवार के अंदर घमंड कूट कूट कर भरा है। शायद इसी वजह से कुछ लोगों ने तुम्हारे बड़े भाई का खून कर दिया। क्या कहा? हाँ, बीच सड़क से मार दिया उसे। राजा तुम्हारे बड़े भैया को उन लोगों ने। ठीक है गुड्डू ठीक है, वो क्या है राजा कि बड़े भैया की मौत का सदमा ये भुला नहीं पाया। मैं मोटे जल्दी चलना, अगर होमन से चले गया तो। अरे चल तो रहे हैं यार। भाई साहब टाइम क्या हुआ? 9:15। अरे यार जल्दी चल, लेट हो रहा है। तो तू है वो लॉरी ड्राइवर जिसने हमारे गुरु के बड़े भैया की जान ले ली? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम लोग सारे सबूत ले आए? जी। कहाँ है? मेरे पास है। तुम लोग बैठो, तुम मेरे साथ आओ। जी सर। ऑल द बेस्ट। अरे गुरु तुम आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? तुमने खींची? यस सर। गुड जॉब, अच्छे फोटोग्राफर हो। थैंक यू सर। हमें तो यकीन ही नहीं था सर कि आप हमारी फरियाद इतनी जल्दी सुन लेंगे। फरियाद और शिकायत तेजपाल बहुत जल्दी सुनता है। और वो शिकायत नागपाल बहुत जल्दी दूर कर देता है। नमस्ते जी। हमारे दोनों दोस्त जो अंदर गए थे अभी तक
बाहर क्यों नहीं आए? इंक्वायरी चल रही है, तुम्हें कोई शक है क्या? तुम अंदर चलो। बता क्या हुआ था? बता तुम, बता तुम, सब कुछ बता तुम। मुन्ना, ये बचना नहीं चाहिए। बात करो गुड्डू, गुड्डू आकर सुनो, बात करो गुड्डू। राजा, राजा बड़े भैया का खून में नागपाल और देखभाल लगी है, और वो एसपी सक्सेना भी उनके साथ मिला हुआ है। ये बात मुझसे क्यों छुपाई तुम लोगों ने? क्यों छुपाई, क्यों नहीं बताई मुझे? तुझे खोना नहीं चाहते थे राजा, हम तुझे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए तुझे कुछ नहीं बताया। ऐसा क्यों किया तुमने? हमने इस बात की शिकायत होम मिनिस्टर से भी की थी, हमने होम मिनिस्टर से भी शिकायत की थी, उसने आज हमें रात के समय में बुलाया था, लेकिन वहां पर वो खुद नहीं था, नागपाल और तेजपाल थे। उन्होंने दिनेश दिनेश आनंद और शशि को भी मारा। पुलिस स्टेशन गए। राजा के चारों दोस्तों का किसी ने कत्ल कर दिया है, और कत्ल के वक्त हम इस पुलिस स्टेशन में तुम्हारे सामने बैठे हुए अपनी गाड़ी की चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा रहे थे। समझ गए? ओके सर। अब तक तो तुम समझ गए होगे कि हम वकील से थोड़े ज्यादा हैं, जज से थोड़े कम। सॉरी। मुहूर्त शुभ नहीं है, शनि भारी है।
यशपाल साहब। नहीं। क्यों, तुम्हारा रिश्तेदार है इसलिए? नहीं, कानून बहुत अच्छा हथियार है तेजपाल साहब, और मैं उस कानून का कानूनी तौर से इस्तेमाल करना चाहता हूं। मिलॉर्ड, अदालत में खड़ा यह नौजवान मेरा रिश्तेदार है, मगर मैं कानून का एक मुहाफिज हूं, और मेरी नजरों में दुनिया के हर रिश्ते से बड़ा फर्ज का रिश्ता होता है। आपको याद होगा कि एक बार पहले भी आपने इस मुजरिम को कार एक्सीडेंट के जुर्म में 6 महीने की सजा दी थी, मगर अब इसने पहले से भी कहीं ज्यादा संगीन जुर्म किया है। शराब के नशे में धुत होकर टैक्सी चलाते हुए न सिर्फ इसने पुलिस स्टेशन तोड़ा, बल्कि अपने 4 बेगुनाह दोस्तों की मौत का भी जिम्मेदार है। मेलॉर्ड, मैं आपके सामने 2 और गवाहों को पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। मैं ब्रेक इंस्पेक्टर हूं जज साहब, और मुझे अपने काम में 10 साल का तजुर्बा है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि मुलजिम की लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ। मैं सरकारी अस्पताल का डॉक्टर हूं जज साहब। इस एक्सीडेंट के बाद 5 लोग हमारे अस्पताल में एडमिट हुए थे, जिनमें सिर्फ यही एक जिंदा था। टेस्ट लेने के बाद यह पता चला कि 5ों ने बेहद शराब पी रखी थी। मेरे ख्याल से इतनी शराब पीकर ढंग से गाड़ी चलाना किसी के भी बस का रोग नहीं है। योर ऑनर, अब मैं ये सबूत पेश करने की इजाजत चाहता हूं, जिसके बाद ये केस शीशे की तरह साफ हो जाएगा। इजाजत है। ये तस्वीरें देखने के बाद भी अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। झूठ है जज साहब, गलत है। असली मुझे मैं नहीं, ये है इस हरामजादे। क्या पकते हो? Shut up you bastard! आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। पकड़ लो, असली मुझे तो तू है, तूने मेरे घर को पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे एक सरकारी कर्मचारी होकर झूठी गवाही देते हुए शर्म नहीं आती? अरे तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। अरे छोड़ दो मुझे, कमीने, यू बास्टर्ड। अरे तूने मेरे दोस्तों का खून किया, तूने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। राजा, भैया, राजा, भैया, भैया मुझे छोड़ दो। अरे भैया, मुझे तो यह है, मुझ पर लगा रहे भैया, मुझ पर। आई किल दिस बास्टर्ड। पागल हो गए हो क्या? केस की सुनवाई के दौरान मुलजिम राजा के तहश में आ जाने की वजह से इस केस की अगली सुनवाई इस महीने की 13 तारीख को मुकर्रर की जाती है। क्योंकि मुलजिम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि वो अपनी पूरी निगरानी में मुलजिम राजा को सेंट्रल जेल पहुंचाए। खबरदार, किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसकी खोपड़ी उठा दूंगा। बेवकूफी में कोई गलत कदम मत उठाओ राजा। कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश मत करो। Shut up you bastard! अगर कानून का नाम अपने मुंह से निकाला तो तेरी सांसें बंद कर दूंगा। किसने कहा होशियारी करने के लिए? देखते नहीं उसके सर पर खून सवार है? कोई गोली नहीं चलाएगा, समझे? राजा, पकड़ इसको, पकड़ इसको, जाओ। Thank you.
quickly or fast! ब्रेक फेल हो गई। शालू, शालू, शालू। हाँ। तुम ठीक तो हो ना? रिवॉल्वर कहाँ है? हाँ? रिवॉल्वर। रिवॉल्वर। हाँ। शूट। कम ऑन। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बचाने में मेरा अपना स्वार्थ भी है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, किसी से बदला लेने के लिए। बदला? किसे? तेजपाल से। तेजपाल से? उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ये तेजपाल जो आज समाज का एक इज्जतदार अमीर है, कई बरस पहले गरीब और निकम्मा था। उस वक्त एक मासूम लड़की ने उसे सहारा दिया, जिंदगी में कुछ बनने का मौका दिया, पर उस नीच ने उस लड़की को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया। और जब उसे पता चला कि वो लड़की उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो उसने उसे ठुकरा दिया। वो बेबस लड़की घर से बेघर हो गई। उस अभागन की नाजायज बेटी तुम्हारे सामने है। जब मैं 6 बरस की थी, मेरी ही खातिर मेरी मां को फिर से एक बार उस नीच के पास जाना पड़ा, और उस जालिम ने मेरी मां को गाड़ी के नीचे कुचल डाला, मार डाला मेरी माँ को। बदले की आग ने मुझे जिंदा रखा। एक दिन मेरी नजर तुम पर पड़ी। मैंने सोचा अगर मुझे तुम्हारा सहारा मिल जाए
तो मेरा बदला जरूर पूरा हो सकता है। बस उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई, तुम्हारे नजदीक आने के लिए मैंने नाटक खेलना शुरू कर दिया। लेकिन ये नाटक करते करते मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगी। सच? भी रोज अपनी मुलाकात
मेरी खाकी बूंदों में छुपा कोई नशा, लग जा तू मेरे सीने से जरा, कहती है रुक मस्तानी, बर खा के बूंदों में छुपा कोई नशा, संभले संभाले ना जवानी, आके लग जा तू मेरे सीने से जरा, कहती है रुक मस्तानी, प्यार तुझे करता है दिल, दिल क्यों भला डरता है दिल, मेरे साथ होती थी पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी, पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी, जो बात हुई है आज, ओ, 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 जो बात हुई है आज, कौन सी तस्वीरें? ओ, अमर के कत्ल की तस्वीरें? हाँ, हाँ, वो सारी तस्वीरें तो आप जला चुके हैं और साथ में नेगेटिव भी तो जलाए आपने। मैं उन तस्वीरों की बात कर रहा हूँ जो राजा के दोस्तों ने शिकायत के साथ आपको भेजी थी। पता कहाँ है वो तस्वीरों वाली फाइल? कितनी बार बताऊँ मुझे मालूम नहीं है, वो फाइल होम मिनिस्टर साहब ने कहीं छुपा कर रखी है। वो फाइल? ओहो, उस फाइल की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए आप, उसे मैंने ऐसी सुरक्षित जगह पर रख दिया है कि मैं खुद ही भूल गया हूँ कि मैंने कहाँ रख दिया। हम ब्लैकमेलरों को ब्लैकमेल करना चाहते हो? नहीं नहीं, वो हमारी मौत का परवाना है और तुम उसे कहीं रखकर भूल गए। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ही गाड़ी के नीचे कुचल कर मरते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर सच में भूल गए हो तो अपनी जिंदगी के बारे में भी भूल जाना। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ। साला हमारे साथ नेतागिरी करता है, चल बैठ अंदर। अरे मेरी तिजोरी। अरे तेजपाल साहब, मेरी तो सारी फाइलें सलामत है, राजा तो सिर्फ आपकी फाइल ले गया। शट अप। वो सबूत लेकर जरूर अपने कलेक्टर भाई से मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पुलिस को हुक्म मिल चुका है कि देखते उसे गोली मार दी जा रही, पुलिस उसे ढूंढ रही है। अगर किसी भी तरीके से वो पुलिस के हाथों बच गया तो हमारे आदमियों के हाथों से उसे कभी नहीं बचना चाहिए। और अगर वो आपके आदमियों के हाथों भी बच निकला तो समझ लो कि तुम्हें हार्ट अटैक हो गया। कब? मैं अभी आ रही हूं। क्या हुआ भाई? सबको अटैक आ गया। ओह गॉड, हार्ट अटैक? हाँ। Thank you.
अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं रितु। अब खतरा टल चुका है। भैया, भैया, भैया कहाँ हो तुम? देखो ये सबूत लेकर आया हूँ। मुबारक हो राजा, मुबारक हो। भाई तुम्हारी बहादुरी की जितनी तारीफ की जाए कम है। अपनी जान पर खेल कर आखिरकार तुमने सबूत हासिल कर ही लिए। मगर कितने अफसोस की बात है कि सबूत देखने वाला कलेक्टर भाई घर पर मौजूद नहीं है। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, वो हमारे यहाँ है, नाश्ता कर रहा है। लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो वो नाश्ता करने के बाद पानी पीने के काबिल भी नहीं रहेगा। बंद कर अपनी गंदी जुबान, बास्टर्ड। जुबान तो हम बंद कर लेंगे राजा, मगर हाथों को बांध कर खामोशी से बैठे रहना हमारी आदत नहीं है। हम सांप से थोड़े ज्यादा हैं, नियोले से थोड़े कम। जिससे भी हमें खतरा महसूस होता है उसे हम खत्म कर देते हैं। वैसे तुम्हारे सबसे बड़े भाई से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बेचारा तो खामखा इंदु मल्होत्रा के कत्ल का चश्मदीद गवाह बन गया था, इसलिए उसे खामोश करना पड़ा। और तुम्हारे चारों दोस्त तुम्हारे भाई के कत्ल के चश्मदीद गवाह बन गए थे, इसलिए उन्हें भी खत्म करना पड़ा। हाँ, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ये कलेक्टर भाई बोलता रहे तो शराफत से आकर सारे सबूत मेरे हवाले कर दो। ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें सिर्फ आधे घंटे की मोहलत देता हूं। तो यह है तेरा असली रूप? तू ही है मेरे बड़े भैया का कातिल? मैंने अपने छोटे भाई की बात पर यकीन नहीं किया, ये सोचकर तू अपने बचाव की कोशिश कर रहा होगा। जी 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 जी, बहुत बुरा किया तुमने। वैसे भी पुरानी कहावत है, जो अपनों पर विश्वास नहीं करते बेगाने उनके साथ विश्वासघात करते। हाँ, विश्वासघात करने का क्या फल मिलता है ये तुझे मालूम पड़ जाएगा। कलेक्टर होने के नाते तुझ जैसे कातिलों के साथ में क्या सलूक करना चाहिए मैं जानता हूं। रवि, रवि क्या हो रहा है? तो परेशान हो रही हो भाभी, ये तो घर की बात है। छोड़ दे, नागपाल, ये क्या हो रहा है? छोड़ दे मेरी बहन को। कमाल है, हमारी चिंता को तो दिन रात भाव में लिए रहते थे, तब हमने तो कुछ नहीं कहा। आज तुम्हारी बहन को सारा सा छू किया लिया कि आग बबूला हो रहा है जनाब। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। वाह सक्सेना वाह, मैं तो समझता था कि ये हाथ सिर्फ चांदी की थाली पकड़ना जानते हैं, मगर आज पता चला कि ये लोहे की पिस्तौल भी उठाना जानते हैं, लेकिन चला नहीं सकते। वो क्या है सक्सेना, रिश्वत के बोझ से जिनका जमीर दब जाता है ना, उनमें ये हिम्मत ही नहीं रहती। लाओ, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, इसे मत ले। शाबाश शाबाश। कमीने! सक्सेना, तुम्हारी बहन नादरा से थोड़ी ज्यादा है, हेलेन से थोड़ी कम। अरे आप क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये शशिकला से थोड़ी ज्यादा है, बिंदु से थोड़ी कम, और वो दोनों मेरी बहुत ही फेवरेट खलनायिका रह चुकी हैं। इस पर तो मेरी बहुत पहले से नजर है, अगर आप परमिशन दे दें तो मैं भाभी को अपना बेडरूम दिखाऊं। छोड़ दे मेरी पत्नी को, मैं तुझे चीर कर दूंगा कमीने। छोड़ दे। ले जाओ मुन्ना इसे। थैंक यू भाई साहब। नागपाल छोड़ दे इसे, मैं कहता हूं छोड़ दे। नागपाल छोड़ दे मेरी बहन को। नागपाल Thank you.
भाभी की इज्जत पर हाथ डालता है। राजा, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा भाई अभी तक मेरे कब्जे में है? छोड़ दो मुन्ना को। सबूत कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? नहीं राजा, ये सबूत इन कमीनों के हवाले हरगिज मत करना, क्योंकि इन्हीं के जरिए तू इन कमीनों को फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकता है। शट अप कलेक्टर, बेकार चिल्ला रहे हो तुम। भैया, इन कमीनों को सजा देने के लिए मुझे इन सबूतों की कोई जरूरत नहीं। दैट्स गुड। कौन हो तुम? याद है तुझे लक्ष्मी नाम की औरत, जिसे तूने दुख, बदनामी और मौत के सिवा कुछ नहीं दिया? मैं उसी लक्ष्मी की बेटी हूं। तू लक्ष्मी की बेटी है? यानी कि तू नहीं देखभाल, तू जैसा जलील, कमीना और घटिया आदमी मेरा कुछ नहीं लगता। तेरे साथ सिर्फ एक ही रिश्ता है मेरा, बदले का रिश्ता। अपनी माँ की मौत का बदला लेने आई हूँ मैं। बहुत सही वक्त पर आई हो। तुम अपनी माँ से थोड़ी ज्यादा हो, बाप से थोड़ी कम। तेजपाल नाम है मेरा, और तेजपाल अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। खत्म कर दो इसे। तुझे मैं तेरी माँ के पास पहुंचाता हूं। आ, 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 आ,
भैया, रवि भैया, राजा, राजा नागपाल तुम्हारे घर वालों को सीमेंट फैक्ट्री पर लेकर गया, तुम जल्दी जाकर उनको बचाओ। जाओ राजा, हम दोनों रवि भैया को संभालेंगे। इसे मार कर क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो? मेरे हवाले कर दो, मैं इसे देख लूंगा। दुखों का अंत हो गया जानकी, सुख के दिन आ गए हैं। हाँ स्वामी, सब आपके आशीर्वाद का फल है, आप ही की कृपा है। उधर क्या देख रही हो जानकी? मैं तो इधर हूँ। हाँ, मेरे पैर छूकर आशीर्वाद ले लो ताकि तुम्हें भी स्वर्ग में जगह मिल जाए। अच्छा, हाँ तो आज तक तू ही मुझे उल्लू बना रहा था। सॉरी। जी, होने वाली बीवी को सॉरी थोड़ी कहते हैं। बीवी? किसकी? तुम्हारी। ए, 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 ए,
बंद करो ये नाटक, बहुत हो गया। अब दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लो। आपका हुकुम सर आंखों पर जी। नहीं मेरे पोते, तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये हाथ देखा है कितना रफ है, एक हफाड़ा मारूंगी तो पूरी की पूरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। तोता मेरे तोता मैं तो तेरी हो गई, मीठे मीठे तेरे सपनों में खो गई, मैं तुझ पे मरने लगा, प्यार तुझे करने लगा, पिंजरे में दिल के दुआ जो मैं तुझको बिठा लूं। तोता मेरे तोता मैं तो तेरी हो गई, पर मैं ना मेरी मैं ना मैं तो तेरा हो गया।